कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलनरत है। किसानों को विभिन्न राजनीतिक संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रैली पर किसानों का आक्रोश सामने आने के बाद अब इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला ने भी कानूनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चौटाला ने विधानसभा स्पीकर को एक पत्र लिखकर विधायक पद से इस्तीफे का ऐलान किया है। बता दें कि चौटाला ने विधानसभा स्पीकर को एक पत्र लिखकर केंद्र सरकार को कानून वापस लेने के लिए 26 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। पंजाब के बाद अब हरियाणा में भी कानूनों के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। अपने पत्र में चौटाला ने लिखा है कि अगर 26 जनवरी तक केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती तो इस पत्र को उनका इस्तीफा समझा जाए। उन्होंने स्पीकर को संबोधित करते हुए अपने पत्र में लिखा है कि चौधरी देवीलाल ने हमेशा किसानों के लिए संघर्ष किया है। आज की परिस्थितियों में उसी विरासत में मैं रखवाला हूं। उन्होंने कहा कि कड़ाके की ठंड में 47 दिन से ज्यादा समय से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान 60 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। चौटाला ने कहा कि 8 दौर की बातचीत के बाद भी केंद्र सरकार ने तीनों काले कानूनों को वापस लेने के बारे में कोई सहमति नहीं दर्शाई है। हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके इनेलो के एकमात्र विधायक अभय सिंह चौटाला ने किसानों के मांग के समर्थन में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यहां बताते चले कि प्रदेश में तमाम विपक्षी राजनीतिक दल किसानों के हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं। सत्ता पक्ष से जुड़े सोमवीर सांगवान और जोगी राम सिहाग समेत कुछ विधायकों ने हालांकि बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैन पद छोड़ दिए और महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने सरकार से अपना समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। लेकिन विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की पहल एकमात्र विधायक अभय चौटाला ने की है। उन्होंने कुछ दिन पहले इसकी घोषणा की थी और अब इसे पूरा कर दिया है। यहाँ यह भी बता दें कि ताऊ देवीलाल के पुत्र अभय चौटाला के परिवार से भाजपा जजपा गठबंधन की सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला और आदित्य चौटाला बोर्ड के चेयरमैन हैं। जजपा विधायक नैना चौटाला और कांग्रेस विधायक अमित सिहाग भी ताऊ देवीलाल के परिवार से हैं। लेकिन किसानों के हक में इस्तीफा देने की पहल कर अभय चौटाला ने न केवल बड़ा गेम खेल दिया बल्कि किसानों के नेता के रूप में अपनी छवि बनाते हुए ताऊ देवीलाल के राजनीतिक उत्तराधिकारी होने पर भी अपनी मजबूत दावेदारी जता दी है। यह कहा जाएगा तो कुछ गलत नहीं होगा। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला एवं बिजली मंत्री रणजीत सिंह से भी किसानों ने अपने पक्ष में बार बार सत्ता से त्याग पत्र देने की मांग की थी, मगर वे सत्ता के मोह में अपने पदों पर काबिज हैं। तीन जो का कानून बनाया गया है अपने देश में, देश आजाद होने के बाद सन 1955 में एक कानून बने, सन 1955 पहली जिसका भी कोई टाटा बिरला का जिसका बड़ा सेठ है मैं किसान की फसल खरीदता खरीद के बिना स्टॉक कर लेता और स्टॉक करके जब भी किल्लत होती कमी आती तो मैंने थोड़ी थोड़ी करके बाजार में बेचता, मैंने अभाव में बेचता, कमाई करता। किसान की तो मजबूरी होती, फसल देके कठिन कठिन कोई कर्ज उतार तो कोई टावर ब्याह तो कोई छोटो मोटो मकान डालते। लाल बहादुर शास्त्री देश को जो प्रधानमंत्री बने हो बड़ भी कानून ने 67 में लागू कर दिया कि देश के अंदर किसान की फसल जो की है वो स्टॉक सिर्फ और सिर्फ सरकार कर सके। फिर लाने एक काम और करना पड़ सी, मुख्यमंत्री ने करनाल में उतरण कौन दिया नहीं तो फिर मेरे इस्तीफे देने के बाद में भाई इलेक्शन हो सी, भाई इलेक्शन हो सी जो सरकार वाला किन न किन तो अड़वागा तो फिर थाने एक फैसला और करना पड़ सी आज ही
जो कोई चुनाव लड़े लेकिन बीजेपी जेजेपी वाले नाम में नहीं बढ़ने दो। वो काम कर दोगा प्रेस वाला खासा खड़े ध्यान खड़ा करके बताओ करोगा कौन का वो काम ठीक कर दोगा तो मैं थन वायदो करके जाऊं सरकार में तोड़ दू। सरकार चलो शुरुआत हो चुकी है जबकि दिन मैं आवाज कही भी मैं इस्तीफा दूंगा लेकिन बाद में दो जेजेपी का एमएलए तैयार हो गया तैयार है एक वो शाहबाद तैयार है सातना ने लेके बैठूंगा तिना को हिस्सों इलाज करूंगा घरों बारह नहीं निकला। अजय सिंह आपके भाषण में बात कही कि अगर अभय सिंह के सामने भेजा के प्रचार करा तो एमएलए कौन बना कहीं नहीं आ बात। अब टेलीफोन करूंगा अस्तीफा देंगे मैं दे दियो अस्तीफा तेरे लक्ष्मण लड़ा ये बात को फैसलो लोग कर सी भी चौधरी देवीलाल को बारिश को जब देखियो क्या मैदान छोड़ के बाजे बजेगा कौन बजेगा बस तो थारू निवेदन करना है भी 24 तारीख ने बड़ी संख्या का मां दिल्ली ठीकरी बॉर्डर पर पहुंचो ताकि 26 नई बात को दबाव बने सरकार ने मजबूर हो गए बिल वापिस लेना पड़े नहीं लेगी तो फिर अपन 6 महीना फसल पड़ा या नहीं लगातार भी मैं खाकर खेत में जावा लगातार प्रयास करा कि कोई ठीक फसल पैदा हो। और 6 महीना के बाद जब कोई सूखो पड़ जाए पानी टाइम पर नहीं लगे कई बरिया कोई बारिश ज्यादा हो जाए कई बरिया कोई गड़ा पड़ जाए खराब हो जाए कोनी हो जाए तो 6 महीना का फसल खराब होने के बाद भी आप विचलित कोनी वहां अगली फसल की तैयारी कर दें तो फिर आप मान के चलो आ लड़ाई जिकी थारी है थारी फसल है कि फसल ने पकान खातर काटन खातर काटन खातर 6 महीना भी लड़ना पड़ सके अरे कोई रही पानी पूरी की बात पानी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है जितना मेरी जिम्मेवारी सारे हल्के की इतना कोई पानी की कमी नहीं कोई बिजली की कमी नहीं कोई कमी करेगा तो नस पकड़ के लिया नहर में बाढ़ दूंगा। ठीक है बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन वर्ल्ड क्लास केटरिंग सेंट्रली एयर कंडीशन लश ग्रीन लॉन्स स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग लॉन्चिंग एंड पार्टीज राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।